सीन कुछ यूं है कि भाई मेरे दो अदर दोस्त, एक तो खुर्रम बर्क साहब है और दूसरे नवीद मुगल साहब। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਇਫਤਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਜ਼ਰਾ ਮਸਲ ਦਿਖਾਈਗਾ। क्या बात है, तुसी भी जरा ढिड बहाना। हम लोगों ने बेसिकली छोटा पंछी छत के ऊपर देख लें जी, मोर साहब ने अपने पर खोले हुए हैं। पर जाऊंगा ना अभी तो इसने पर बंद कर देने, लेकिन अकेले में देखें इसने इतने खूबसूरत पर ओपन किए। मैं छत पे जाके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ये उसने बंद कर दिया। मोर का देखा आपने कैसा इंजॉय चल रहा है, खूब उसने भाई पर नहीं पंख होते ना बेगम साहबा, पंख फैलाए हुए हैं। और भाई पंख फैला कर खूब, वो वैसे तो डांस बोलूंगा लेकिन लव्स कुछ और मेरे मुंह से निकलेगा था। मोर खूब इंजॉय कर रहा है। आपको एक चीज खाता पहले, बेगम साहबा ने न्यू बेडशीट डाली है, स्टफ चेक करें, बड़ा हैवी किस्म का स्टफ और बड़ी प्यारी है। और बेगम साहब ने स्पेशली बोला था कि मेरी बेडशीट आपने अपने ब्लॉग में जरूर दिखानी है, तो मैंने आप लोगों को बेगम साहबा की बेडशीट दिखाई है, आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। सीन कुछ यूं है कि भाई मेरे दो अदर दोस्त, एक तो खुर्रम बर्क साहब है और दूसरे नवीद मुगल साहब है, तो वो दोनों इंशाल्लाह ताला आज इफ्तारी में मेरी तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ी देर में उम्मीद है कि वो लोग पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। साढ़े पाँच बड़े हो ना, हाँ साढ़े पाँच हो गए। अभी अभी नहीं, अभी चादर वगैरह डालनी है। आप ये चेक करें जरा, हमने कैसी लाश यहाँ पे कमरे में रखी हुई है, डेड बॉडी, समबडी डेड बॉडी। ऐसी बातें इंशाल्लाह आप लोग उनसे मिलवाते हैं, उसके बाद इफ्तारी वगैरह का जो भी शुगर मिला होगा वो भी आपको दिखाते हैं। टांग भाई की आपके काफी बेहतर हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका भाई अपने टांगों पर खुद खड़ा है, पैरों पर नहीं टांगों पर खड़ा है। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह पेन भी आज ना होने के बराबर है। ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना वजह ना गोली खा के मरते हैं। वो लगा दे। क्या वो ये नखी ये लगा दो यार, ये पर्दों के कर्टन्स उसके ऊपर लगा दो, उठ जा। दूसरा कितने? और दूसरा पता नहीं किधर है, लेकिन एक तो तुम्हें मैंने दे दिया, दूसरा अपनी अपना इस आप ही से पूछो। ये इसका साइड पे लगना है, तो जल्दी लगा उठ के। एक दोस्त नीचे आ गया तो उसको नीचे चल के लेके आऊँ, रिसीव करूँ वो। और दूसरे वाला जो वो थोड़ा पीछे, उसको कॉल किया, वो कह रहा है जी मैं भी थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। इत्थों तुहाडा ढिड शुरू होंदा ते इत्थे मुकदा, क्यों इत्थों शुरू होंदा ते इत्थे मुकदा। अभी मेरा रोज है, मैं अच्छा जी बाद में खेलूंगा। चले आए ऊपर, आए ऊपर, भजन आ जाए। बिस्मिल्लाह, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अबे कुछ चेक कर तेरा, और दोस्तों के घर आ कहें जी लेट जाना तू, बल्ला वो सोन लगा जी। हमारा एक दोस्त तो जी अभी तक नहीं पहुंच सका, और खुर्रम भाई पहुंच गए, और हजरात रोज़ा अफ्तार कर ले मौलवी साहब ने कह दिया है, तो इसलिए फिर ये देखिए सारा सामान इफ्तारी का तैयार है। लेकिन मुझे वो दे दें, खजूर दे दें और पानी का जिनसे गिलास दे दें, मैंने उसकी इफ्तारी करवा दूँ। सीन ये हुआ है कि जी जो मुगल साहब हैं वो लेट हो गए हैं, उनकी पहले उन्होंने बाइक मंगवाई थी, वो गाड़ी भी नहीं आ जा रहा, वो आ रहा है अपने इस पर बाइक पर, तो वो बाइक के चक्कर में भाई साहब लेट हो गए। जो बाइक वाले को बुलाया वो पहले कहीं और खड़ा हो गया, फिर वो अगर आ गया तो उसका पेट्रोल खत्म हो गया, तो अब उस बेचारे ने दूसरी राइड मंगवा कर तो वो यहाँ पे पहुँच रहा है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में उम्मीद है वो पहुँच जाएगा, तब तक नवी ये खुर्रम भाई को हम लोग करवाते हैं इफ्तार। दुआ शुरू करती है उसने, वो दुआ कर ले और इफ्तारी कर ले। खुर्रम भाई प्लीज। A few moments later. पीछे दोस्त आ गया, तुमने जरा जल्दी से इधर अफ्तारी वगैरह लगवाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। नबीद भाई बहुत लेट। मैं जल्दी के चक्कर में गाड़ी रोक के बाइकिया पे आया, बाइकिया खराब हो गई रास्ते। चले आए अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी स्पीड में ड्रॉप। बड़ी मेहरबानी भाई जान। सर गुरम सर। चलो चलो चलो, अफ्तारी लग गई, अफ्तारी करो यार, छोड़ो परे, मिलते रहेंगे। वो ग्लास पकड़ो ना यार, मैं तुम लोगों को सर्व करूँ खुद यार, अपने गुनहगार हाथों से। जैसे नेक थाना पालन है ना आप। चलो है मुगल साहब ने पास करो। चलो जी तुसी अपना ग्लास ले आओ। चलो चलो जी बैठो जी खाओ। या अल्लाह मेरा रोजा जल्दी जल्दी। शाकाहारी ड्रेकोला जो वेजिटेरियन है। माशाल्लाह जी इफ्तारी चल रही है फुल जोरों शोरों से। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली रोटी भी आ गई है हमारी, और बर्तन शर्तन आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। नवीद भाई बिस्मिल्लाह करें। खुर्रम भाई, खुर्रम भाई आप इधर आ जाना काइंडली, सानू खान दोगे तुम। खाओ खाओ खाओ, ताड़े गरीबा मस्कीना वास्ते मंगवाया, मैं कड़ोगा अपने वास्ते कल्ले वास्ते मंगवाया। 1600 घंटे के बाद तो रोटी मंगाई है यार। वो वखरी गल है, वखरी गल है, उठो बिस्मिल्लाह कराओ ना। घंटा आ गया
कांटा भी ला दो, और उसके अलावा वो नवीद भाई दही, नहीं दही तो रायता, वो रायता आएगा ना, चलेगा ना रायता, चले उठे इधर आए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कैसी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है आपकी, सामने आपके दही पड़ा। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, कितनी आप पढ़ी लिखी बातें करें जबकि आपके मुंह से भैड़ी बातें लग रही हैं ये वाली। जैसा मुंह वैसी चपेट। नवीद भाई नान वगैरह? सर मैं जरा आजकल परहेज कर रहा हूँ इन चीज़ों से, आपको माशाल्लाह माशाल्लाह। नवीद भाई नहीं, जो आप परहेज कर रहे हैं उसका रिजल्ट नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह। हाँ जी, जरा मसल दिखाईगा, क्या बात है, तुम भी जरा टेड बहाना। नहीं मेरा टेड जो दिखाने वाला नहीं है। नहीं सर, इट्स नॉट वर्थ वॉचिंग। खैर पेट तो लग ही नहीं रहा ये। हाँ जी ऐसे ही है, आप पता लग रहा है मोड़न लता लगी है। हाँ जी हाँ जी, ऐ जरा चेक करो जी, खुरम भाई ने भी खाना शुरू कर दिया। सीधा खड़ा देखे तो ऐसा लगता है जैसे सांप पकड़ने वाली वेन होती है। मैं अपनी प्लेट के अंदर जी कबाब शबाब रख के खाना शुरू करूँ इससे पहले कि इनकी चवलियाँ खत्म नहीं हो रही। सर आपकी बहुत अच्छा हमारी गेट टूगेदर थी, बहुत अच्छी इफ्तारी थी, उसके बाद हमने बारबेक्यू खाया। सर जो मेन मजा है ना नवीद भाई, वो हमारी बातों का है, गेट टूगेदर का ही होता है यार, हर कोई खा ही रहा। ऐसी ऐसी बातों की अगर ऐसी महफिल हमारी हफ्ते में कम से कम अगर एक नवी खुरम भाई खाना बनाएंगे साथ बैठेंगे और फिर जो है आपको खुशियाँ दे खुरम भाई दी ग्रेट। थले नहीं मैं नीचे तक आपको छोड़ने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, एज पर यूजुअल जी ये मेरे बेहतरीन दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो चाय है वो उन्होंने बीच में छुड़वा दिया, हम लोगों ने बेसिकली छोटा पंछी डोरेमोन। हाँ जी मेरी जो चाय है वो मेरी चाय किधर गई है? और चाय वो रख रही है, गैजेट निकालता है ये अपनी खुफिया। हाँ जी, तो खैर मेरी चाय उन्होंने बीच में छुड़वा दी, उन्होंने एक कप को हाफ हाफ करके तो पिया और मेरी भी चाय रहती थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने जाना जल्दी है। जनरली माशाल्लाह खाना बहुत ज्यादा था, तारी बहुत ज्यादा थी, खा खा के देखो थोड़े सामने है पान मैं टुरना हुआ जार हो गया, ये तो खैर नहीं है, मैं खाता है तो बच गया, तो तंसीर का तो मेरा बुरा हाल हो गया खाता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चले मैं आपको नीचे आप लोगों को छोड़ गया। खुरम भाई जुती पा लो, किसी मन्नत मान ली है? तुसी लोग बोल रही है भैन, बड़ी बड़ी मेहरबानी, मेरी कोई बात बुरी लगी हो जाओ जो करना है कर लो। आप जाओ जाओ जो करना है कर लो। साथी तौर पे मैं बहुत बुरा लगा, जाओ जो करना है कर लो। आपकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, आप हमें रज के बुरे लगते हैं। भाई जी सीन कुछ ऐसे, बेगम साहब काका साहब सो गए हैं, मैं बर आज का ब्लॉग यहीं पर करता हूँ इख्तिताम। उम्मीद है आप लोगों मेरे दोस्तों के साथ जो मैंने इफ्तारी किया उसका मजा आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल मुझे रखे दो बेशक मुलाकात करते हैं, नहीं काम के सिलसिले में। तब तक अल्लाह हाफिज़, रात बखैर।